नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, अपने पद की गरिमा रखिए, धमकी की भाषा का इस्तेमाल नहीं करें। मत भूलिए कि आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं, आपकी इस गीदड़ भभकी से कोई डरने वाला नहीं है। आखिर आप किस तरह के हिसाब किताब की बात कर रहे हैं? ये सही है कि आपकी पार्टी की पहचान तो इसी तरह की धमकी वाली भाषा और गुंडागर्दी की रही है, लेकिन इससे भी आप बाहर निकलने का प्रयास क्यों नहीं करते? आपका हिसाब किताब जनता कर रही है। लोकसभा चुनाव में जनता ने आपको हिसाब किताब कर दिया है, बचा कुचा हिसाब किताब विधानसभा में पूरा कर देगा। और प्रशासन के लोगों को आप क्या कह रहे हैं कि फिर सत्ता में हम आ जाएंगे? सपना देखते रहिए, कोई मनाही नहीं है, लेकिन प्रशासन को धमकी की भाषा में डराने का प्रयास मत करिए। एक बात समझ लीजिए कि अब आपके माता पिता का राज्य नहीं है, यह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और माननीय नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन की सरकार है। जहां न्याय के साथ विकास होता है, न बचाते हैं न फंसाते हैं, कानून का राज स्थापित होगा। और फिर से वह दौर जो आप लाने का प्रयास कर रहे हैं, बिहार की जनता की आपकी दबंगे गुंडागर्दी धमकी से डरने वाला अब नहीं है। जनता पूरा हिसाब करेगी। और आप एक ब्लैकमेलर जो कहता है कि आपका फोटो है, आपका रिपोर्ट है, वीडियो है, आप सही जांच करिए नहीं तो जारी कर देंगे, ये भाषा एक आपराधिक मानसिकता का सूचक है। और इस तरह की भाषा संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का एक खुला चुनौती है कि आपके पास जो वीडियो है, जो फोटो है, जो प्रमाण है, आप उपलब्ध कराइए, क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति साक्ष्य को छुपाता नहीं है और साक्ष्य छुपाने वाला सबसे बड़ा अपराधी होता है। आपको खुला चुनौती है, 24 घंटा के अंदर जो भी साक्ष्य उपलब्ध कराइए, और नहीं उपलब्ध कराते हैं तो ये ब्लैकमेलर की भाषा, ये गुंडागर्दी के भाषा, गुंडा की भाषा बिहार की जनता नहीं सुनेगी और आपको कभी स्वीकार नहीं करेगी।